रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर जिंदगी बसर करने वाली रानू मंडल आज एक स्टार बन चुकी है। रानू मंडल का पहला लाइव कंसर्ट आ चुका है, आइए दिखाते हैं आपको। जब हिमेश रेशमिया ने रानू मंडल को हैप्पी हार्डी और हीर का गाना तेरी मेरी गाने के लिए करीब 6 से 7 लाख रुपए ऑफर किए, लेकिन रानू ने इतने पैसे लेने के लिए मना कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हिमेश ने रानू को जबरदस्ती पैसे दिए और कहा कि बॉलीवुड में तुम्हें सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। सुपरस्टार सिंगर में जब रानू जी आई, मुझे बहुत ही डिवाइन आवाज है। आपको बता दें कि हाल ही में रानू को टीवी सिंगिंग शो सुपर सिंगिंग के स्टेज पर देखा गया है। रानू मंडल को अभी और भी ऑफर मिल रहे हैं, वह कहती हैं ये मेरी दूसरी जिंदगी है और मैं इसे बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। सुपरस्टार सिंगर में जब गाना गाया तो हिमेश जी ने मुझे गाने का मौका दिया फिल्म में। ये बोलते हुए उनकी आंखों से आंसू झलक आए। बहरहाल साबित हो चुका है कि कला की कद्र करने वाले आज भी समाज में हैं, और अगर आप में काबिलियत है कुछ करने की तो कभी न कभी आपकी किस्मत जरूर काम आएगी। आपको बता दें कि रानू मंडल की आधी जिंदगी रेलवे प्लेटफॉर्मों स्टेशनों पर गुजर चुकी है। आमतौर पर वे पश्चिम बंगाल के रानाघाट स्टेशन पर गाना गाकर अपना गुजर बसर करती थी। एक दिन वहां से गुजरते वक्त यतीन्द्र चक्रवर्ती ने रानू का गाना सुना। उन्होंने रानू को गाते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। रानू को प्यार का नगमा गाते देख सभी लोगों ने उनकी आवाज़ से प्रभावित रह गए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ कि लोगों ने रानू के लिए कैंपेन चलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद हिमेश रेशमिया उन्हें बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए ऑफर दिया। यही कहते हैं कि अगर टैलेंट आपके दिल में है, आपके जुनून में है, तो कभी छिपता नहीं है। द पावर ऑफ द सोशल मीडिया आपके सामने जीता जागता उदाहरण है रानू मंडल। पश्चिम बंगाल के रानाघाट रेलवे स्टेशन पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर के मशहूर गाने को गाकर अपना जीवन यापन करने वाले रानू मंडल की किस्मत बदल गई है। हाल ही में रानू मंडल ने एक प्यार का नगमा है गाना गाकर रातों रात सुपरस्टार बन गई हैं। अपने एक वीडियो के चलते रानू मंडल ने पूरे देश में अपनी एक दमदार पहचान बना ली है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रानू मंडल अब बॉलीवुड में भी एंट्री करने वाली हैं। बॉलीवुड सिंगर हिमेश रेशमिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रानू मंडल के एक वीडियो शेयर किया है, जिसे आप देख सकते हैं। जिसमें रानू मंडल उनकी फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर का गाना तेरी मेरी गाती हुई नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर रानू मंडल का रिकॉर्डिंग वीडियो काफी वायरल हुआ। इस खबर के बीच एक और खबर सामने आई है। खबरों की माने तो सिंगर हिमेश रेशमिया ने रानू के इस गाने के लिए उनकी पहली सैलरी दी है, जिसकी रकम ज्यादा होने की वजह से रानू ने मना कर दिया। रानू की इस पहली सैलरी का खुलासा हो गया है, जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो सकते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो बताई जा रही है कि इसकी सैलरी लगभग 6 से 7 लाख है। अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कहते हैं ना, टैलेंट जैसा भी हो कभी थमता नहीं है, कभी न कभी सामने जरूर आता है।